हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये जो रोड है ये है सोना रोड और जगह है ये अलीपुर, और यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये बनाया जा रहा है। जब आप गुड़गांव राजीव चौक की तरफ से आओगे तो कनेक्टिविटी लेने के लिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है इंटरचेंज, और इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो काम देख रहे हो ना ये किया जा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे जो देख रहे हो आप, ये अभी यहाँ से हटाए जाने हैं और यहाँ पर पूरा ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा, ताकि इस जगह पे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसका इंटरचेंज बनाया जा सके। और ये जो सोना रोड है इस पर तो काम कोई और कंपनी कर रही है, लेकिन ये जो पार्ट बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, इस पे कंपनी जो काम कर रही है वो है एप्को। तो ये जो पिलर बनाया गया है वो भी बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, और वो इस तरफ जाने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पर ये जो मशीन है इसकी मदद से यहाँ पर पाइलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इस जगह पर पिलर बनाया जाना है। और लास्ट जो मैंने आपको अपडेट दिखाया था उसमें आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि रात के वक्त भी इस पर काम चल रहा है। मैं आपको उस तरफ से भी दिखाता हूँ कि जब आप नू की तरफ से आओगे या सोना की तरफ से आओगे तो कैसे कनेक्ट हो सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। जैसे ही इस जगह पे आप आओगे ना, सोना की तरफ से आओगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो पूरा इंटरचेंज है वो बनाया जा रहा है। और ये रहा यहाँ पर राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये रहा पूरा इंटरचेंज। पिछली बार यहाँ पे मिट्टी डालने का काम चल रहा था। 1250 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया जाना है, और इस जगह पे यहाँ पर जो काम चल रहा है वो चल रहा है इसके इंटरचेंज का, और इसी जगह पे ये पूरा इंटरचेंज बनाया जाना है, जिसकी मदद से गुड़गांव और उसके आसपास के जो लोग हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। 1250 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। और यहाँ पर ये अर्थवर्क का काम ये बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और सामने यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये पिलर के ऊपर कनेक्ट होने वाला है। मोस्टली पिलर कैप का जो काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और यानी कि जो पिलर को टी शेप में लाते हैं वो मोस्टली पिलर पर तो काम कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पिलर हैं जिन पे अभी काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है, और जिसका काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और सामने ये आपको पूरा पिलर्स दिख रहा है जो कि ये इंटरचेंज के लिए बनाया जाना है। मैं अब आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलता हूँ जिस तरफ ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जाने वाला है, यानी कि आगे की तरफ, और मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आगे और कुछ क्या काम हुआ है। इस जगह पे मैंने आपको लास्ट जो अपडेट दिया था वो तो दिया ही था इंटरचेंज का, लेकिन आज इंटरचेंज का अपडेट नहीं देने वाला हूँ। आज मैं पूरे एक्सप्रेसवे का दिखाने वाला हूँ, यहाँ से लेकर और दमदमा लेक रोड तक, कि वाकई में और कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन ये देखो, अगर आपको याद होगा तो पिछली बार जो मैंने अपडेट दिया था उस समय जो अर्थवर्क का काम चल रहा था, और आज जो अर्थवर्क का काम हुआ है इस इंटरचेंज पे, देखो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये है दोस्तों जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 12 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जो कि बनाया जा रहा है इस जगह से। यहाँ पर इंटरचेंज है जिसकी मदद से आप इस पे कनेक्ट होगे। वो जो सामने जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हो उतनी हाइट तक यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाना है, और इस जगह से आपको दिख रहा होगा कि कितना सारा लेन इसमें होने वाला है। अगर मैं पर्टिकुलर इस जगह पे बात करूँ जहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, और वो इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एंट्री पॉइंट भी है, एग्जिट पॉइंट भी यहीं पे दिया गया है। अगर गुड़गांव से आते हो इंटर करना है तो भी यहीं से कर सकते हो, सोना से आते हो तो भी यहीं से कर सकते हो, एग्जिट भी करना है तो भी आप यहीं से कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इतना सारा लेन दिया गया है। और यहाँ पर
अब ऐसा है कि आगे जाने के लिए भी रास्ता पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है ताकि यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा सके। अब मुझे अपनी गाड़ी को यू टर्न लेके दूसरे रास्ते से आगे की तरफ जाना होगा, और ये है व्हीकल अंडरपास, और इतनी हाइट तक ये पूरा अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाना है। और ज़्यादा अब बचा नहीं है, सिर्फ 10 फीट रह रहा है, जो हाइट था वो 20 फीट था, और 10 फीट तक तो पूरा अर्थवर्क का जो काम है वो कर दिया गया है। और हर वक्त व्हीकल की मदद से यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है, और जिसकी मदद से यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाएगा। अब अगर आप नीचे से आओगे ना तो आपको ये दिखेगा भी कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर की मदद से वॉल यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, और किस तरीके से ये जो पूरा इंटरचेंज बनाया जा रहा है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा था कि 10 फीट तक इसकी जो हाइट है यानी कि अर्थवर्क का जो काम है वो कर दिया गया है। और अब मैं आपको यहां से नीचे से दिखा रहा हूं, अब आपको पता चल रहा होगा कि कितना कुछ काम वाकई में यहां पे हुआ है इंटरचेंज पे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो डेडलाइन है वो दी गई है 2023 की। प्रोजेक्ट का टोटल जो कॉस्ट है वो है 1,00,000 करोड़ का। और यहाँ पर काम देखने के बाद ना ऐसा पूरी तरीके से लगता है कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है ना ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और वो भी 2023 के अंत में नहीं, जनवरी 2023 तक। जी हाँ, सबसे खास बात ये है इस प्रोजेक्ट पे कि जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तब से इसका जो डेडलाइन दिया गया था वो 2023 का ही था। बहुत सारे रिकॉर्ड ये एक्सप्रेसवे बना रहा है, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 में तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। और साथ में ये रहा जो कि व्हीकल अंडरपास बनाया गया था कुछ वक्त पहले, और आज यहाँ पे देखोगे तो ये व्हीकल अंडरपास अब हम यूज़ भी कर पा रहे हैं। ये यहाँ सामने देखो सनसेट एकदम खूबसूरत सा, और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अर्थवर्क का काम जैसा कि मैंने कहा और भी किया जाना है इस जगह पे, टोटल 12 लेन का होने वाला है, और 12 लेन तक का इसका अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, लेकिन जो ब्लैक टॉप का काम है वो 8 लेन के लिए किया जाएगा, यानी कि 4 लेन ईस्ट साइड, और यहाँ पर इसी का काम किया जा रहा है। और ये जो जगह है ये है अलीपुर, मैं आपको आगे गढ़ई वजूदपुर में भी लेकर चलता हूँ और फिर वहाँ भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ जो पिलर बनाया जा रहा है उसका काम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एलिवेटेड बनाया जाना है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। तो दोस्तों ये जो जगह सामने आप देख रहे हो ये है गढ़ई वाजिदपुर, और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है एलिवेटेड बनाया जा रहा है, यानी कि फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। आगे यहाँ पर जितने भी पिलर्स हैं उन पे पिलर कैप का जो काम है वो किया जा रहा है, यानी कि पिलर को जो टी सेप पे लाते हैं उसका काम किया जा रहा है। और ये पिलर्स देखो कितने हेवी हैं, एक पिलर के ऊपर होने वाला है 6 लेन, और इसीलिए यहाँ पर ये जो पिलर का जो साइज है वो देखो कितना जाइंट सा है। और यहाँ पर फ्रेम लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है। यहाँ पर टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो ईस्ट साइड 3 पिलर है, यानी कि 6 पिलर है टोटल, उनमें से 3 पिलर पे पूरी तरीके से काम हो चुका है जैसा कि ये सामने देख रहे हो, और ये सच में बहुत बड़ा पिलर है ये। और ये यहाँ पर देखो ये है जो कि ब्लैक टॉप का काम किया गया है, अंधेरा होने में ज़्यादा वक्त है नहीं, लेकिन फिर भी देखो कितना
खूबसूरत, कितना अद्भुत सा लग रहा है ये एक्सप्रेसवे। ब्लैक टॉप का काम यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक कर दिया गया है, और ये देखने के बाद पूरी तरीके से ये आप महसूस कर सकते हो इस एक्सप्रेसवे पे कि क्या फील आने वाला है जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, और क्या वो दिन होने वाला है जिस दिन इसको ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, और क्या फीलिंग होने वाली है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2023 का डेडलाइन, 1 लाख करोड़ की लागत, ये एक्सप्रेसवे इंडिया को न्यू इंडिया बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। और ये देखने के बाद आपको भी ये यकीन हो रहा होगा कि यस, 2023 में ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। ये मुझे तो पता है और मुझे यकीन भी है इस बात का। सामने जो रोड आने वाला है वो आने वाला है दमदमा लेख रोड, और इसका अर्थ ये हुआ कि ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अंधेरा होने में ज़्यादा वक्त है नहीं, तो रात के वक्त तो इस पर उतना क्लियर दिख नहीं पाएगा जितना दिन के वक्त दिखता है। तो इसीलिए आज मैं आपको यहीं तक का दिखाऊंगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे चलने वाले हैं, यानी कि दमदमा लेक से आगे, और फिर देखने वाले हैं कि आगे कितना कुछ काम हुआ है इस जगह पे भी। वैसे मैं बताऊं तो सामने जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो वहाँ तक ये पूरा अर्थवर्क का काम किया जाना है, और इस जगह पे भी अभी भी अर्थवर्क का काम जो है वो किया जाएगा, और जितनी हाइट वो जो देख रहे हो स्ट्रक्चर का, उतनी हाइट तक ये पूरा अर्थवर्क का काम यहाँ पर अभी करना बाकी है। ये रहा वो स्ट्रक्चर, सामने जो रोड है वो है दमदमा लेक रोड, और मैं उसी रोड पे अभी कनेक्ट होने वाला हूँ और इस अंडरपास को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अंडरपास है ये ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ हैं वो जा सके। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हो तो आप जा सकते हो दमदमा लेक, और अगर आप राइट लेते हैं तो आप जा सकते हैं सोना रोड। ये यहाँ पे फ़िलहाल जो दमदमा लेक रोड है ये तो है 2 लेन का, लेकिन ये जो अंडरपास बनाया गया है और इस अंडरपास में जो जगह दी गई है ये यहाँ पे दिया गया है 4 लेन का, ताकि फ्यूचर में अगर और भी लेन ऐड किया गया तो ये जो अंडरपास है ये छोटा ना पड़े, इसलिए ये प्रोविज़न पहले से ही दिया गया है ताकि 4 लेन बड़े आराम से इस पर ऐड किया जा सके। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका भाई इसी तरीके से आपको दिखाता रहेगा, घुमाता रहेगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय।